हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग खबीर। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट पाव बिना एग यूज किए इन प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव और हांडी में। इसको बनाने के लिए मैंने घर में मौजूद सामान का ही यूज किया है। शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डिलीशियस रेसिपीज एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गरम दूध 1 कप, मतलब 150 ml तक। इसमें हम 2 बड़ा चम्मच चीनी का डालेंगे। इसको घुलने तक चलाएंगे। अब इसको हम टच करके देखेंगे, एकदम ये नीम गरम दूध है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1/2 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसकी गैस ऑन कर देनी है और उसको चलाते रहना है जब तक कि ये हमारा एकदम गाढ़ा पेस्ट जैसा नहीं तैयार हो जाता। अब हम इसको साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमारी यीस्ट एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया था, ठंडा होने के लिए रखा था। इसको हम बहुत ही अच्छे से गूंधेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल गीली। अगर इतनी गीली नहीं है तो आप इसमें गर्म पानी डाल के इसको इस तरह से कर सकते हैं। शुरू में आटा बहुत ही स्टिकी होता है, इसलिए ये पूरे फ्लोर पे और हाथों पे चिपकता है। तो हमें नाइफ या किसी पतली चीज़ की हेल्प से इसको इकट्ठा करते रहना और इसको अच्छे से गूंदेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा बटर लगा के फिर इसको गूंदना है 2-3 मिनट तक। अब हमने इसके अंदर थोड़ा ऑयल लगा के फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गूंद कर इसको साइड कर लेंगे हम। अब हमने लेना है 1 बड़ा बाउल, इसमें हमने बटर या ऑयल से इसको ब्रश कर लेना है ताकि हमारा डो चिपके नहीं। अब हमने इसमें डो को रख के ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। 3 मिनट हो चुका है, अब डो वापस से गूंदने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने फ्लोर पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है और उस पर हमने डो को रख के वापस से गूंदना है। थोड़े थोड़े मैदा डाल के हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट गूंद लेना है। ठीक, 5-6 मिनट इसको अच्छे से गूंदने के बाद डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने उसी बाउल में बटर या ऑयल को ब्रश करना है। अब हमने इसमें डो को रख कर गीले कपड़े से ढक कर 2-3 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देना है ताकि ये राइस हो सके। अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है। सी, अपने साइज में ये डबल हो चुका है। अब हमने वापस इसको फ्लोर पर निकाल कर थोड़ा गूंद लेना है। अब हमने नाइफ की हेल्प से इसके पीसेस कट कर लेने हैं और इसकी लोइयां बना लेनी है। अब हमने सारे पीसेस को शेप देकर साइड में रख देंगे। बेकिंग के लिए हमें चाहिए घर में यूज होने वाली स्टील की प्लेट। उसके ऊपर हमने रखना है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पे राफ पेपर को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसके ऊपर हमने ऑयल या बटर को ब्रश करना है और थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करना है। अब हमने इस पे डो के पीसेस को रख देना है और ऊपर से मिल्क ब्रश करेंगे और थोड़ा सेसमे सीड डालेंगे, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरीके से हमने एक और प्लेट रेडी कर लेनी है प्रेशर कुकर में बेक करने के लिए। अब हमने हांडी में 2 कप नमक डाल के इसको तेज आंच पर ढक के प्री हीट होने देना है 2 से 3 मिनट के लिए। सेम प्रोसेस हमने प्रेशर कुकर के साथ भी करना है, पर इसमें ख्याल रहे कि हमने सीटी इसमें नहीं लगानी है। अब हमने हांडी में स्टील का स्टैंड रखना है, आप स्टील कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने प्लेट को रख कर ढक देना है और प्रेशर कुकर में भी हमने नमक के ऊपर स्टैंड रखना है, उसके ऊपर प्लेट रख के इसको हमने बंद कर देना है। हांडी और प्रेशर कुकर दोनों को हमने मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। अब माइक्रोवेव में हमें इसे बेक करने के लिए चाहिए माइक्रोवेव यूजेबल प्लेट। इसकी भी हमने सेम प्लेटिंग कर लेनी है और ऊपर से दूध ब्रश करना है और थोड़ा तेल लगाना है और हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड माइक्रोवेव और ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। तीनों जगह पर बेकिंग हो रही है। 30 मिनट के बाद ये रही हमारी हांडी वाली बन बिल्कुल रेडी है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और ये रही हमारी माइक्रोवेव वाली बन। दोनों पे हमने ऑयल ब्रश करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो सके। अब हमने प्रेशर कुकर वाली बन को भी निकाल लेना है, ये भी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर भी हमने ऑयल ब्रश करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है।
ये रही हांडी वाली बन और ये है माइक्रोवेव वाली बन, दोनों बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी है। ये है हमारी प्रेशर कुकर वाली बन, इसको भी हमने निकाल लेना है और अब हमारी बन खाने के लिए बिल्कुल।